क्या आप जानते हैं टाइटैनिक जहाज कभी समुद्र में डूबा ही नहीं। और तो और कई लोगों का मानना है कि टाइटैनिक जहाज को जानबूझकर समुद्र में डुबोया गया। आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज की मालिक कंपनी के पास एक और जहाज भी था जो बिल्कुल टाइटैनिक जैसा दिखाई देता था, जिसका नाम था ओलंपिक। और इसका एक्सीडेंट होने के बाद ये खराब हो चुका था, लेकिन इसे थोड़ा रिपेयर किया गया और कंपनी ने इंश्योरेंस के पैसे वसूलने के लिए ओलंपिक पर टाइटैनिक नाम लिखवाकर उसे यात्रा पर भेज दिया। वहीं कुछ लोगों के अनुसार टाइटैनिक में उस समय सभी करोड़पति लोग यात्रा कर रहे थे, लेकिन जेपी मॉर्गन नाम के इंसान ने यात्रा से पहले अपना टिकट कैंसिल करवा लिया, जो अपने सभी प्रतिद्वंदी करोड़पतियों को खत्म करना चाहते थे। लेकिन जब 1985 में टाइटैनिक का मलबा खोजा गया तो ये साफ हो गया कि डूबने वाला जहाज टाइटैनिक ही था।